आजमगढ़ जिले के भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में गोंड समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण निर्गत किया जाए। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अजय सिंह ने कहा कि गोंड समाज के लोगों को जिला प्रशासन द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से मिलकर पत्र सौंपा गया है और मांग किया गया है कि सभी तहसीलदारों व समाज के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर आमने सामने वार्ता कर जो भी भ्रांतियां हैं उसको दूर करते हुए अनुसूचित जनजाति का प्रमाण दिया जाए, क्योंकि जब शासनादेश जारी हो चुका है उसके बावजूद प्रमाण पत्र जारी नहीं करना गोंड समाज के साथ जाति होगा। मैं अजय सिंह, जिला उपाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़। गोंड जनजाति को जनजात में शामिल कराने के लिए तमाम भ्रांतियाँ पैदा हो रही हैं तहसील स्तर पर, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय से कहने आए थे कि आप एक तहसीलदारों की मीटिंग बुला लीजिए और जो गोंड समुदाय के लोग हैं, जो प्रतिनिधिमंडल हैं, उनको भी बुला लीजिए और वहीं डिस्कस कर लीजिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि वो उनका लेखपाल जाता है तो कहता है गोंड समाज नहीं है, कहता है कि वो भड़भूजा है, तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ वो पैदा कर रहे हैं तहसील स्तर पर, तो वो भ्रांतियाँ समाप्त हों और इनको गोंड जनजाति का जो सर्टिफिकेट है शासनादेश के मुताबिक वो सर्टिफिकेट इनको मिलना चाहिए।